हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सस्मिता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू चॉप। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, उस पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल जब हल्का सा गरम हो जाएगा, अभी हम इसमें पीनट ऐड करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ड्राई पीनट लिया है। पीनट को अच्छे से रोस्ट करना है। इसको अच्छे से ब्राउन कलर होने तक हमें रोस्ट करना है। देखिए, हमारा जो पीनट है अभी रोस्ट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगी। जीरा को भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब जीरा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, मैं यहाँ पर 2 ग्रीन चिली को ऐसे फाइनली चॉप करके रखा था, उसको ऐड कर देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, हम यहाँ पर करी लीव्स ऐड करेंगे। करी लीव्स को मैंने रफली चॉप करके रखा था, आप चाहे तो वैसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑनियन। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के ऑनियन को ऐसे क्यूब्स में कट करके रखा था, उसको मैं अभी ऐड कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, हमें ऑनियन को कम्प्लीटली कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल भी ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है, आप वो ऐड कर सकते हैं। वेजेस को भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वेजिस को थोड़ा सा ढक के फ्राई करेंगे। अभी हम इस वेजिटेबल को चेक करेंगे कि बॉईल हुआ कि नहीं। देखिए, थोड़ा सा हाफ कुक हो गया है। अभी मैं इस स्टेज पे मसाला ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर कुछ कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर भी ऐड किया है। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा का पाउडर है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, मैं यहाँ पर सारे ड्राई मसाले को, ये ड्राई मसाला ऑलरेडी फ्राइड होते हैं, और हल्का सा फ्राई करूँगी। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, अभी मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ आलू को अच्छे से बॉईल करके स्मैश करके रखा था। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमारा जो मेन हीरो है वो तो आलू ही है, क्योंकि इसका नाम ही है आलू चॉप। देखिए, अब मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम फ्राई करने की प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई पे ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है। अभी मैं उस आलू मसाले को ऐसे गोल शेप में करके, ऐसे बेसन में डिप करके, अभी हम इसमें डीप फ्राई करना चालू करेंगे। हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे करके हमें एक एक करके छोड़ना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से कीजिएगा। एक साइड जब फ्राई हो जाएगा अच्छे से, हम ऐसे एक छन्नी की हेल्प से ऐसे पलट लेंगे। देखिए, मैं सारे आलू चॉप को ऐसे पलट के डीप फ्राई कर दूँगी। और हमारा जो माउथ वाटरिंग डिलीशियस आलू चॉप बन के तैयार हो गया है। आप घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।